हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज के इस वीडियो में, जो कि हमारा विराम चिन्हों का भाग 8 है, इससे पिछले के अपने सभी वीडियो में भाग 1, भाग 2, 3, 4, 5, 6, 7 सभी भागों में जो हमने विराम चिन्हों के बारे में पढ़ा, तो आज के इस वीडियो में हम सभी विराम चिन्हों को एक साथ जान लेते हैं, समझ लेते हैं। तो आइए पढ़ते हैं विराम चिन्हों को एक साथ। विराम चिन्ह विराम चिन्ह अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए लिखते समय विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है प्रयोग किया जाता है विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। सबसे पहला जो विराम चिन्ह है वो है पूर्ण विराम, यानी फुल स्टॉप। पूर्ण विराम जो कि इस प्रकार से लगाया जाता है। इसके बाद दूसरा है अल्प विराम जो कि इस प्रकार होता है। इसके बाद तीसरा है अर्ध विराम जो कि इस प्रकार लगाया जाता है। अर्ध विराम चिन्ह के बाद हमारा चौथा चिन्ह आता है उपविराम चिन्ह जो कि हम इस प्रकार से लगाते हैं, उपविराम चिन्ह। इसके बाद हमारा पांचवा चिन्ह आता है, जो कि है हमारा प्रश्नवाचक, आप कुछ भी लिख सकते हैं, प्रश्न सूचक चिन्ह जो कि हम इस प्रकार से लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। इसका छठा आता है हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह जो कि हम इस प्रकार से लगाते हैं। इसके बाद हमारा आता है सातवां चिन्ह जो कि हमारा है निर्देशक चिन्ह जो कि हम इस प्रकार से लगाते हैं,
निर्देशक चिन्ह। इसके बाद हमारा आठवां आता है योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह हम इस प्रकार लगाते हैं ऐसे, योजक चिन्ह। इसके बाद जो हमारा नौवां विराम, नौवां जो विराम चिन्ह आता है वो है हमारा लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह, जो कि हम ऐसे लगाते हैं, लाघव चिन्ह। इसके बाद आता है हमारा दसवां, यानी कि उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था कि उद्धरण चिन्ह जो है दो प्रकार के होते हैं, जिसमें कि पहला है एक हरा, एक हरा उद्धरण चिन्ह, जो कि हम ऐसे लगाते हैं, और हमारा दूसरा है दोहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह, जो कि हम इस प्रकार से लगाते हैं। दसवां उद्धरण चिन्ह के बाद आता है हमारा ग्यारहवां चिन्ह, जो कि है हमारा है कोष्टक, कोष्टक, कोष्टक यानी कि इसको हम इस प्रकार से लगाते हैं, ब्रैकेट, कोष्टक यानी ब्रैकेट। इसके बाद आता है हमारा बिल्कुल आखिरी बारहवां चिन्ह, जो कि है त्रुटि पूरक चिन्ह, त्रुटि पूरक चिन्ह, त्रुटि पूरक चिन्ह, जो कि हम इस प्रकार से लगाते हैं। सबसे पहले विराम चिन्ह, यहां विराम चिन्ह, इसके बाद आता है अल्प विराम, जो कि इस प्रकार से लगाया जाता है। इसके बाद आता है अर्ध विराम, जो कि हम ऐसे लगाते हैं। चौथा विराम उप विराम चिन्ह, जो हम इस प्रकार से लगाते हैं। पांचवा है प्रश्न सूचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क, विस्मय आदि बोधक चिन्ह, जो कि हम इस प्रकार से लगाते हैं। सातवां है निर्देशक चिन्ह, जिसका हम इसको जो है इस प्रकार से लगाते हैं। योजक चिन्ह ऐसे लगाते हैं। अब निर्देशक चिन्ह और योजक चिन्ह जो समझने वाली बात है कि निर्देशक चिन्ह जो है वो बड़ा होता है थोड़ा, और जो योजक चिन्ह है वो थोड़ा छोटा होता है। इसके बाद आता है लाघव चिन्ह, जो कि हम ऐसे लगाते हैं। इसके दसवां चिन्ह है उद्धरण चिन्ह, जो कि दो प्रकार के होते हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। इसके बाद है ग्यारहवां कोष्टक यानी कि ब्रैकेट, और बारहवां आखिरी चिन्ह है वो है त्रुटि पूरक चिन्ह, जो कि हम इस प्रकार से लगाते हैं। तो उम्मीद है ये विराम चिन्ह और विराम चिन्ह जो अभी हमने पढ़े, और इससे पहले हमने जो विराम चिन्हों के वीडियो सारे देखे जिन्हें हमने समझा, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आसानी से समझ में आ गए होंगे और उन्हें पढ़ने में आपको बहुत मजा भी आया होगा। तो इसी तरह देखते रहिए ज्ञान अभियान, आपका अपना चैनल, और हमेशा मन लगाकर पढ़ते रहिए।